वेले गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल उड़ाई की उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के सही दिखाता है कि जहाँ एक तरफ अरमान दूसरा तरीका ढूंढता है अपनी आशिमा के पास जाने के लिए, वही इधर दिखाता है कि जहाँ घुसते जाता है तो उधर मुल्क के ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, यानी कि इधर बेगम साहिबा के गुंडे पकड़ लेते हैं अरमान को और मारने लग जाते हैं। वही इधर दूसरी तरफ आशिमा भागते भागते इंडिया के एम्बेसी के पास पहुंचती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे लोग कहाँ है, मैं किस मुल्क की हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये कहीं ना कहीं पता चल जाए। लेकिन इधर दिखाते हैं कि बेगम साहिबा उसको वीडियो कॉल करती है और उसको दिखाती है कि तुमको पन्ना इसने दिया, यानी कि फतिमा बी ने दिया, और उसी को पकड़ के उसकी मौत का ब्लैकमेल करती है, यानी कि इधर आशिमा को ब्लैकमेल किया जाता है और उसको बोलते हैं कि तुम अगर शादी नहीं की तो तुम्हारे जान, मतलब तुम्हारे अरमान और ये फातिमा बी की बलि चढ़ जाएगी और हो जाएगी इनकी मौत। वही आशिमा लौटती है और लौट के उसको बंद कर दिया जाता है एक रूम में, जिसके लिए आशिमा को कपड़े दिए जाते हैं निकाह के और उसको पहन के बैठने के लिए बोला जाता है। वह इधर की आशिमा करेगी शादी दूसरे इंसान से, यानी कि दूसरे मुल्क में दूसरे इंसान से, या इस बार अरमान आके रोक लेगा। वही क्या गुंडे छोड़ेंगे अरमान को इंसानियत के नाम पे, या इस बार बेगम साहिबा करवा देगी अपने बेटे से आशिमा की शादी। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।